महाप्रभु जगन्नाथ चारिद्वार खोल जाऊ ता सहित रत्न भंडार खोली महाप्रभु रत्न को गणा जाऊ एभली एक जनसंपर्क यात्रा करी जगन्नाथ आवाहक सेनार जो अच्छा प्रियदर्शन पट्टनायक सी आज आसी बालेश्वर में पहुँचे सी जो कथा कहते कि बारंबार से कहते कि जगन्नाथ रत्न भंडार खोल जाए और रत्न गणा जाऊ ता सहित जो भक्त मैंने अच्छा देश विदेश जो भक्त मैंने अच्छा से मैंने श्रृंखलित भाव किमें दर्शन करेंगे सुविधा भाव किमें दर्शन करेंगे से चारिद्वार को कहीं सरकार खोलना एने की सी आज बालेश्वर पहुँचे आम सहित अच्छा आम आलोचना करा सर आम देखु जगन्नाथ सेना दीर्घ दिन धरी आंदोलन करुच्ची कि चारिद्वार खोल जाऊ महाप्रभु ता सहित जगन्नाथ रत्न भंडार को खोल जाऊ ये कथा को आपण बारंबार सरकार के निकट पहुँचाऊ आंदोलन कर दाबी करु ये कथा को सरकार शुणुना बा कर्णपात करूना गोटे कथा अच्छी जाणी शोथ उठेब किए तेणुक आम कह कथा गोटे धार्मिक अनुष्ठान धर्म अर्थ काम मुख्य चारिद्वार आपण बंद करने अधिकार देला किए कौन चर्च कि कौन मस्जिद कि गुरुद्वार आपड़ फाड़े झरका बंद करें कि आमर ओडिया मान प्राणकेंद्र मंदिर तीन टा द्वार कहीं बंद करदे जिते मंदिर या कम लोक थे कहीं ये बड़ बड़ द्वार या आगामी दिन में विश्वनियंत्रण पाक लक्ष लक्ष लोक आसे भलि आसिक भलि जी यहीं या आपड़ कौन ताकू बेस चलाक तीन द्वार बंद कर देकर गोटे द्वार भिड़ कर बुढ़ा बुढ़ी लोक मैंने जाऊँच थे जीवन कि दर्शन कर मुक्ति पाइबा आपड़ रोकी दौरान बेहोस हो जाने मंदिर गला आउ तो मैंने हालिया होकर जगन्नाथ दर्शन कर पलि आस जगन्नाथ दर्शन करके विमला लक्ष्मी शीतला हनुमान सत्यनारायण आउ क्या दर्शन कर पार ना से कौन समझ जाते देवल चारिपटे बुलूते सब देवदेवी तेतीस कोटी देवता घर सीए समस्त मुंडिया मारुते भोग खाऊ ये करके आसते कि एटी तो आठ घंटा ठिया होगा सी तार कौन इच्छा हाब आ जीवन जीवन तार कारण है आमर जी बर्तमान दायित्व अच्छा सी आम मुख्यमंत्री नहीं कि भाटिकन सीट में पोप पाखे आंटेले पोप पाखे मुंडिया मरइले गोमांस भक्षणकारी को मंदिर में पुरेले यही संस्कृति लोक बर्तमान मंदिर टाक कैप्चर कले तेणुक आम आगू आहरी बहुत भयंकर जिनस देखा आम विनम्रतार सहित कह कथा आपड़िया प्राणकेंद्र कालिया सांत ओडिया कहीं अलग करुँच एक तारीख रात आप कहते सुई देवे जगन्नाथ को आंदोलन कला जगन्नाथ सेना जगन्नाथ शोले एथर आम स्वार्थ किसी ना कि आम चाहूँ समस्ते कि आनंद दर्शन टे पाँच भारत बर्ष कथ आम चाहूँ साढ़े चार ओडिया कथ आम केवल कौ ओडिया मैंने जब जगन्नाथ को न पाए मरीजे आज्ञा न दुर्भिक्षा बेल भी रक्त बिकी रथयात्रा कर लोक ओडिया जाति आमको तो खोला अच्छे आम कहीं लड़े करुचु राजनीति ना ए सनातन धर्म और जगन्नाथ संस्कृति एक प्रचार प्रसार करने कौन एम आवश्यक पड़ा आप जो कथा कहते हैं कामयाजन कथ कहतु जो आप जो कथा पूर्व कहते हैं एल टी टी रिमी प्रभाकरण जमी ओडिशार एल टी टी एल टी टी किए ओडिशार प्रभाकरण प्रभाकरण पांडियान बाबू गोटे प्रभाकरण आनी ओडिशा को भुवनेश्वर अध जमी सी किणी सारे दुई हजार कोटी मालिक सी ने किए सी गोटे प्रभाकरण जा श्रीलंका ध्वंस कर गोटे प्रभाकरण बर्तमान ओडिशा ध्वंस करुँच तदंत हो यदि आम मिछ कौ यदि मिछ कौ मुझे फासी दिं जो सत कौ तदंत हो आपे भितर को कहीं पशुं आपण को किए कह बर्तमान आप गोटे दल में जॉन करके कौन करा चाहते ओडिशा शासन पंद्रह तमिल जैक श्रीलंका शासन करते आपड़ आसिक जन तमिल ओडिशा शासन के नवीन बाबू जदि ध्वंस हे ए तमिल जो ध्वंस हे नीजु नवीन बाबू खराब लोक नुह आम कहूँ जो नवीन पट्टनायक चोरी कर रत्न भंडार जी चोरी कर दरकार आपड़ खोलू ना कहीं डरुँ कतरा घोड़ी शोले कौन जम छाड़ तेणुक आप खोलतु सच का सच होना चाहिए दूध का दूध पानी का पानी होना आप स्वच्छ कौन फाइव टी कौन मो सरकार खोली दिखुं आर वर्ष रथयात्र खोलिए कहले कमी इलेक्शन सरी जाइए आउ कि नापर चक गड़गले बार हाथ आर वर्ष आपे तो ये सपन को राति नमी सूर्यपात्र प्रकल्प कम बेले मोर समय है मुझे तदारख कर समय आसलानी से बाचस्पति आसन रू सी गले डाक्तखाना सियाड़ सियाड़े उपरकू कालिया पाखाई जार समय ना तार सब समय सरीज कौन हम आप आगे देखते अज्ञा शहे पापपंत कालियार द्वार खोला अच्छी जो दिन शहे एक हम शिशुपाल हाँ फाइनाल आप देखु निजे विचार कर अनुभव करूँ आप जगन्नाथ को कथ नहीं कि जगन्नाथ कमी सुरक्षित रे आम सनातन धर्म सुरक्षित रे तो परिक्रमा प्रकल्प होकु जो मैंने विरोध करुँचान विकास देखा जाऊनि एक पांडियान कहते सत कथा तो कांथवाड़ रंग बोली देखिए विकास हो जाता है ओडिशा इन्हें नंबर वन जाता जिते कांथ रंग बोला सब जिले में ओडिशा नंबर वन जाता ओडिशा सब गरीब राज्य ये ओडिशा को भुआ बुलाऊँ कांथ रंग कर देकर ओडिशार उन्नति होगा कौन से हो अयोध्यार राम मंदिर या गोटे मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो गए ठाकुर प्राण प्रतिष्ठा होमचंद्र नूआ मूर्ति ये कौन हो झोटी पका रास्ता आठटा पायखाना
ଗୋଟେ ଏସି ସେଡ୍ ଏବଂ ଫୁଲକୁଣ୍ଡ, ୟାର କ'ଣ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ, ଆକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା କଥା, ଆକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା କଥା। ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆପଣ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିକି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନେବେ କାହିଁକି? ଆମର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଅଛନ୍ତି, ତେନ୍ଦୁଲକର ଅଛନ୍ତି, ମାଗଣାରେ କରିବାକୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କାମିଆ ଜାଣିନି। ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁନି। ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି କି ସେ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ କ'ଣ ସେ କହନ୍ତେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଗୋମାଂସ ଖାଉଛି? ମୁଁ ପରା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ଛେନାପୋଡ଼ ଭଳିଆ, ତାକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି ନ ଖାଇଲେ ବି ଗୋମାଂସର ସେ ତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ଗୋମାଂସର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଣିଥିଲା କିଏ? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରିଲା କିଏ? 18 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତାକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଣିଥିଲେ, 18 କୋଟି ଆମ ଟଙ୍କାରୁ। କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରା ଯେ ଆଉ କହିବି, ଏଇଟାକୁ ନେଇଥିଲେ ଭାଟିକାନ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଆକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ପୋପ ପାଖରେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠେଇଥିଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏଇନେ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି କାମିଆ। ତ ଇଏ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମେ ସେ କରିବେ କିମିଆ। ତେଣୁକରି LTT ଯେମିତି ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ, ସେମିତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ ତାମିଲ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ତାମିଲ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାକରଣ ହେଇଥିଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାକରଣ ଆସିଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନାରେ କ'ଣ ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର, BJD, BJP, କଂଗ୍ରେସ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର, ରାଜନୀତି ହେବନି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକରି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଥିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବର ମାଗ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମାଗିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର 22 ପୁଅଙ୍କୁ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ବଂଶରେ କେହି ନ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ କିଏ କହିବେନି ମୋ ବାପା ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛି। ଏ ପରମ୍ପରାର ମନ୍ଦିର ଇଏ, ତମେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ରଙ୍ଗ କରି କହୁଛ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛୁ ଆମେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା? ୟାର ଜବାବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧ୍ୱଂସ ହେବେ ତାହେଲେ କେବଳ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଗୁଁ ଧ୍ୱଂସ ହେବେ। ଦେଖୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ଆବାହକ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କଥା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ କେମିତି ନଷ୍ଟ ନ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଉ, ଭକ୍ତମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଗଣାଯାଉ। ଯଦି ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତାମିଲମାନେ, ଯେଉଁ ବିଦେଶୀମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଅପଭ୍ରଂଶ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତା'ର ପରିଣାମ ଦିନେ ଭୋଗିବେ ଏକଥା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଣ୍ଠିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।